चलना। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज बेटा 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ट्रू और फॉल्स क्या है बताने, कौन से फॉल्स हैं कौन से ट्रू है बेटा। देखिए -3 स्क्वायर रूट का इक्वल 3 क्या आता है, हम चेक करते हैं वाकई 3 क्या आता है या नहीं आता। -3 स्क्वायर रूट देखिए बेटा, स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ जाए ना तो वो वैल्यू योटा की इक्वल होती है, उसी की जगह बेटा योटा आ गया, 3 योटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 का ज़्यादा स्केयर आ गया, योटा योटा का स्केयर अलग आ गया क्योंकि बेस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी। और योटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है किसके इक्वल होती है, वो -1 की इक्वल होगी। तो वे स्केयर से बेटा स्केयर रूट कैंसिल, 3 बच गया, योटा स्केयर की वैल्यू -1 3 हमारा आंसर तो -3 आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया बेटा। नेक्स्ट योटा की 73 कहता है इक्वल माइनस योटा के, ये भी चेक करते हैं इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, अगर इसके इक्वल आ गया तो वो ट्रू होगा, अगर इसके नहीं इक्वल आता है फॉल्स होगा। अब देखिए बेटा बेस सेम है तो पावरें ऐड भी कर सकते हैं सेपरेट भी, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.5 में किया है, योटा 2 हमारे पास सिर्फ योटा स्केयर की वैल्यू है तो हमने योटा की 72 अलहदा कर ली, डॉट योटा की 1 कर ली, ऐड करेंगे 73 हो जाएगा योटा 73। अब योटा 72 2 की पावर कितनी बन रही, 2 की योटा 2 की पावर 36 होता है, 2 36 72 होता है बेटा, योटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो वैल्यू -1 पुट की, -1 की पावर 36। अब देखें नेगेटिव की पावर इवन नंबर आ जाए वो किसके इक्वल होते हैं, वो पॉजिटिव के इक्वल होगा, तो योटा योटा 1 जाओ योटा हमारा आंसर तो योटा आना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव योटा ये भी फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता आप -6 योटा प्लस योटा स्केयर इज -1 प्लस 6 योटा, कहता कॉन्जुगेट इसका आप लोग कॉन्जुगेट लेंगे ना तो कॉन्जुगेट बताना इस वैल्यू के इक्वल आता है या नहीं आता, तो हम देखें इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं फिर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। अब देखें बेटा हमने इसको कर लिया जी लेट -6 योटा प्लस योटा स्केयर, हमें पता है योटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, वो बेटा -1 होती है, क्या आ गया -6 योटा प्लस -। जब बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, जिस वैल्यू के साथ योटा होता है वो वैल्यू का साइन चेंज होता है, वो साइन चेंज हो गया 6 योटा -1, मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस का 6 योटा, तो क्या हुआ ये ट्रू होगा बेटा, क्या हुआ ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, इसका कॉन्जुगेट लिया सॉल्व किया ऐसे इस वैल्यू के इक्वल आ रही है तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा खुद करेंगे आप लोग सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए -1 -b+3 योटा इक्वल 5+8 योटा, कहता देन इसके अगर ये आंसर इक्वल आते हैं तो ये ट्रू है, अगर ये नहीं आते तो ये ट्रू नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a -1 -b+3 योटा इक्वल 5+8 योटा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया क्वेश्चन, रियल वैल्यू रियल के इक्वल, योटा वाली वैल्यू योटा की इक्वल आ जाएगी। अब देखें रियल वैल्यू रियल इक्वल आ गई, योटा वाली वैल्यू योटा के इक्वल, साथ जो साइन है वही साथ साइन यूज होगा, योटा मल्टीप्लाई डिवाइड उसे अगर डिवाइड होगा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का साइन दूसरे चला गया वो -8 योटा हो गया। अब ये वैल्यू इधर 3+ हो रहा था जा क्या रहेगा वो माइनस हो जाएगा, बी इक्वल -8 -3 दोनों के साइन सेम है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, साइन नेगेटिव का रहेगा, बी की वैल्यू -11। अब देखें वैल्यू -1 हो रही इधर उधर दूसरा वजह क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, तो 5+1 कितना होता है 6, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई बेटा, तो देखें आंसर वही आ गए जी बेटा, हमारे पास सेम आंसर वही आ रहे हैं तो क्या हुआ ये ट्रू हो गया बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन में, कहता आपने a+b ओटा फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन क्या है 1/2+3 ओटा +7-2 ओटा, प्लस अप्लाई किया अगर साइन में कोई चेंजिंग नहीं आई, 2+3 ओटा +7-2 ओटा, बेटा रियल वैल्यू को हमने अलहदा कर लिया लिख लिया और ओटा वाली वैल्यू को अलहदा लिख लिया, तो रियल वैल्यू में प्लस माइनस हो जाएगी, योटा वाली वैल्यू योटा वाली वैल्यू में प्लस माइनस हो जाएगी, 2+3 7 3 योटा में 2 योटा निकाल दें 1 योटा बचेगा, हमारा आंसर क्या आ गया 9+ योटा ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें, 2 सेम ऐसे है, -(-3+5)योटा ब्रैकेट क्लोज -4+9, देखिए बेटा ये माइनस अप्लाई किया -+ ये -+ हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई किया वो -4 आ गए -9 हो गया। अब देखें रियल वैल्यू अलहदा कर ली बेटा और योटा वाली वैल्यू अलहदा कर ली, क्या आ गया 3-4 फिर -5 योटा -9 योटा, 3 में 4 निकाल दी 4 में 3 निकाल दी -1
दोनों वैल्यू का साइन सेम है, साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि दोनों के नेगेटिव के साइन वैल्यू ऐड हो जाएगी। 9 और 5 कितना हो गया 14, ये हमारा पास आंसर क्या आ गया -1 -14 योटा, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी बेटा कोई भी क्वेश्चन हुआ आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।